सिंगरौली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची शौच के लिए गई हुई थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जियावन थाना अंतर्गत अपने ननिहाल खड़ौरा गांव में आई नाबालिग लड़की के साथ सजाती युवक विधाता कुल ने शौचालय के लिए घर से बाहर जा रही नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। नाबालिग लड़की को इलाज के लिए देवसर में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ जियावन थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह लड़की का मामला तो दवाई गोली कुछ नहीं होती अभी है। अब वह नर्स आई तो नर्स अब इनका मेडिकल सेटल करी तब उनका दवाई हुई हमारा नकल निकली आई तब बनी मैडम आई तब फिर देखी तब फिर बनी। देवसर थाना क्षेत्र में ये लगभग 12 बजे शिकायत आई थी कि एक 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। इस पे थाने से तुरंत संज्ञान लिया गया और 376 और 501 के अंदर प्रकरण दर्ज किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।